धोराजी नगर में भूतवड़ विस्तार में नर्सिंग कॉलेज यानी कि नर्सिंग स्कूल में मंजूरी के बिना विद्यार्थियों की फिजिकली यानी कि ऑफलाइन परीक्षा लेने का बाहर आते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही जारी की गई है। कोरोना वायरस की महामारी के बीच राज्य में अब ये संक्रमण धीमे धीमे कम हो रहा है। बावजूद राज्य सरकार द्वारा अभी तक शैक्षणिक को किसी प्रकार की मंजूरी नहीं देते हुए ऑनलाइन ही शिक्षण तथा परीक्षा लेने के लिए आदेश दिए हैं। बावजूद धोराजी के भूतवर स्थित आई हुई नर्सिंग कॉलेज में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ऑफलाइन यानी कि फिजिकली परीक्षा विद्यार्थियों की लेने का बाहर आते हुए पुलिस द्वारा कार्यवाही जारी की गई, जिसमें कॉलेज के ट्रस्टी द्वारा पूरक परीक्षा आयोजित करने का उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। भूतवर स्थित आई हुई सरस्वती विद्यापीठ में भी ये परीक्षा का आयोजन करते हुए प्रिंसिपल द्वारा तथा ट्रस्टी द्वारा जानबूझकर पूर्व प्लानिंग के साथ ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें विद्यार्थियों के बीच उनकी जान का खतरा बढ़ाते हुए एक ही क्लास में 20 से भी अधिक विद्यार्थियों को बैठक व्यवस्था के आधार पर बिठाते हुए परीक्षा ली गई थी। 90 जितने विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया गया था, तो वहीं सरस्वती विद्यापीठ द्वारा दोबारा से इस प्रकार की गंभीर बेदरकारी करने से कई तरह की अटकलों ने जोर पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही जारी की है। मैनेजिंग ट्रस्टी रणछोड़भाई वघासिया जे पूर्व आयोजित हतुं, पछी जे प्रिंसिपाल साहेब छे अत्यारे हॉस्पिटल होवाथी जे एमने अत्यारनी परिस्थितिमां जे सूचना आपवी જોઈએ એની શરત ચૂકતી અને એની બીમારી અવસ્થાથી કાંઈ નિર્ણય લીધા લઈ શક્યા નથી, એટલે આ બધું જે કાંઈ થયું એ શરત ચૂકતી થયેલું છે। કેટલામાં વર્ગની પરીક્ષા હતી અને કેટલા વિદ્યાર્થીઓ હતા? 90 વિદ્યાર્થીઓ હતા અને 1-3 વર્ષની નર્સિંગના પહેલા બીજા અને ત્રીજા વર્ષની પરીક્ષા હતી। છેલ્લા દિવસોમાં જ આવી એટલે આપણને એમ હોય કે આ પ્રિન્સિપાલ કે જવાબદાર લોકો છે એમને સૂચના આપીને સેટ કરી લીધું હોય છે। ના, જાણ નહોતી અને મને ખબરય નહોતી, આજ સવારે ખ્યાલ આવ્યો, પણ બેન હોસ્પિટલ જ હોય એટલે એમને જે કાંઈ પરિવર્તન કરવું જોઈએ કરી શક્યા નથી।